आप देख रहे हैं तो खूबसूरत जगह ये मनाली रिवर है और ये रिवर कनेक्ट होने वाला है जाके ब्यास से। तो इस रिवर के अंदर खास करके ब्राउन ट्राउट मिलते हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर ब्राउन ट्राउट पकड़ने की। मनाली से नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा लार्जी वैली। तो आज मैं लार्जी वैली में हूँ और देखते हैं यहाँ क्या लगता है। ये बहुत खूबसूरत एरिया है, कोशिश करते हैं यहाँ पे ब्राउन ट्राउट खास करके यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़े साइज़ भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहेगी ब्राउन ट्राउट पकड़ने की और देखते हैं क्या लगता है। किसी का घर टूटा हुआ है, ठीक लग रही है, यहाँ से देखते ही जाके तो रहा है मछली पर। ऐसे जंप भी किया अभी, मस्त वाला एकदम बढ़िया वाला। पर दो बार लगा भी था, ऐसी बात नहीं कि नहीं, लेकिन छूट गया। ले लो ले लो ले लो ले लो अरे लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया, अरे वाह, अरे छुट गए छुट गए छुट गए, अरे अरे भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। ओहो, अरे बाप रे बाप, फिर से लगाएगा इसे एक और। वाह, चलो करूँगा नहीं, अब सब खाऊंगा। अब बड़े बड़े लग रहे हैं, रात हो गया ना, देखो रात हो गया है और बड़े बड़े लग रहे हैं। एक्चुअली पानी में बहुत अंदर जाना पड़ रहा है तब लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा है। फिर से लुकियाना रॉड और लुकियाना का रील, रेनो लाइन, बेहतरीन लाइन है रेनो। और मैं पानी में घुस घुस के मच्छी पकड़ रहा हूँ, मज़ा आ गया। वेरी गुड। अगेन द ट्राउट, रेनबो, रेनबो नहीं, ये ब्राउन है शायद, अब पता नहीं मुझे इसका नाम भी बराबर नहीं पता है, पर ये रवि बोल रहा था ये ब्राउन ट्राउट है। ये भी छोड़ देते हैं गैस, पता नहीं है बचेगा या नहीं बचेगा, मुझे आइडिया नहीं। और ये बहुत ढीला पड़ गया है। हाँ हाँ जाएगा, जा जा, जान में जान आ रही है। हाँ चल चल चल, शाबाश, चलो ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा पंपिंग 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 पंपिंग, नहीं जाएगा अब, ये बोला ना उसको मार लग गया है, मुश्किल है। एनीवेज तो अब इसे लेके जाते हैं, इसे खाना ही पड़ेगा मुझे। ये जगह देखकर आपका दिल ही नहीं, आपकी आत्मा भी खुश हो जाएगी। लुकियाना और लुकियाना टी-शर्ट के साथ में मैंने निकाला। दिस इज एन रेनबो ट्राउट, रेनबो नहीं ब्राउन ट्राउट है, सॉरी है, और बहुत छोटा है तो छोड़ना पड़ेगा। ओके अरे बाबा तेरे को मार लग गया, था तो छोड़ना वाला, छोड़ना वाला। मुझे और मैं इस पर ट्राउट पकड़ रहा हूँ, ताकि ज़्यादातर 2 नंबर और 1 नंबर के स्पिनर पे ट्राउट फिश पकड़ी जाती है, तो वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। spinners, Lukiana Commodore rods and Lukiana Salt Armor reels. Again, round. तो आपको अरे यार इसे मार लग गया है, इसे मार लग गया है तो मैं इसे खा ही लूँगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मरी जाएगा। और देख रहे हैं कि इसे काफ़ी ब्लड आ गया, तो ऐसे मछली खा लो तो बेहतर है। ओके, खुशबू आने लगा। बहुत मस्त है, मसाला साला कुछ नहीं यार, बहुत नाजुक फिश है, बहुत जल्दी गल गया, वेरी फास्ट फिश है। हाँ मच्छी कोई भी हो गाइस, कोई भी मच्छी हो या बड़ी हो या छोटी हो, और हिमाचल में अगर खास करके फ़िशिंग करना है या मनाली में आप आए हैं फ़िशिंग करने के लिए तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, इजी नहीं है, बहुत दूर तक चलना पड़ता है और बहुत धैर्य रखना पड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पेशेंस। हाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस अगर नहीं रहेगा आप में तो मुश्किल है, आपका बहुत मछली लगेगी नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा, आपको दूर दूर चल के जाना पड़ता है, काफ़ी दो किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है, तो ये सब करने के बाद हम लोगों को सक्सेस मिला और ऐसा एक्सपीरियंस मैं कभी अपने लाइफ में शायद दोबारा मिले या ना मिले। हर दिन एक दिन बढ़ता है तो उम्र बढ़ते जा रही है, जब तक मैं ठीक ठाक हूँ, पैर हाथ सही है तो मैं इतना लंबा चल पा रहा हूँ। वैसे आप सामने देख रहे हैं ये रिवर टच कैफ़े, और ये बताने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। ये होटल पे आज से 2017 में मैं यहाँ पर आया था और मेरी फैमिली के साथ मैं आया था, और उसमें बताता हूँ आपको, यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं आया मैं, और काफ़ी 2 दिन हम करीबन मनाली यहाँ से ऊपर की तरफ है, यहाँ से मनाली करीबन 18 किलोमीटर के आसपास है। तो जब हम लोग यहाँ पे आते थे कारण यही था कि यहाँ शांति बहुत है, पूरा दिन हम यहीं पे रहते थे, और वहाँ पे पीछे नदी है, वहाँ मैं फ़िशिंग करता था, ट्राउट फिशिंग करता था। तो पहले नदी कहाँ था मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ बैठते थे हम लोग, ये जैसी कुर्सियाँ लगी हुई है, यहाँ बैठते थे, और नदी बिल्कुल इसको लग के, ये जो फेंसिंग देख रहे हैं यहाँ पर नदी होती थी पहले, अब वो नदी मैं आपको दिखाता हूँ, अब वो नदी बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पर देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर है, वो बाढ़ के वजह से हुआ है, वो बाढ़ जब तेज़ आई तो ये एरिया पैक हो गया और नदी ने अपना एंगल चेंज कर लिया, वो साइड से अब नदी बहती है बड़ी वाली। और यहाँ से बैठ के देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही शानदार जगह है ये, और खाना पीना बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में मिलेगा आपको, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का जब आप यहाँ पे। देखिए आज पानी मैला है और इसलिए मैं भी फ़िशिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब पहला मैला पानी होता है तो ट्राउट फिशिंग में बड़ी परेशानी आती है, जल्दी बाइट नहीं होता है। यही पानी अगर आप जब आएंगे, बारिश अगर पीछे पहाड़ों के साइड में अगर बारिश हुई तो यहाँ पे ये पानी मैला हो जाता है और ये 2-3 घंटे में चेंज भी हो जाता है जब बारिश रुक जाएगी। तो यहाँ पे कई रिसोर्ट हैं, बाकी ये सब भी रिसोर्ट नहीं, होटल्स बने हुए हैं। लेकिन ख़ास मैं रिवर टच की बात करूँ गाइज़, तो रिवर टच में सच में एक टच मेरे दिल में बना दिया था जब मैं यहाँ पे आया था मेरी फैमिली के साथ में। मेरे बेटे का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था यहाँ पर, क्योंकि वो हम लोग मनाली से होते हुए आए थे, मनाली में ऊपर की तरफ गए थे तो मेरे बेटे ने ड्राई बर्फ़ खा लिया था तो उसे टॉन्सिल हो गया था और उस वक्त वो काफ़ी छोटा भी था। तो हम लोग, मैं बहुत डर गया, मेरी बीवी भी डर गई, बहुत घबरा गए थे हम लोग कि ये बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार। तो यहाँ के जो ऑनर है विनोद जी, उनका नाम है विनोद जी, विनोद जी ने अपनी गाड़ी निकाली ऐसे अनजान जगह पे, उन्होंने बहुत सेवा की हमारी। तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए, बच्चे को लेके गए, वहाँ पे दिखाया उन्होंने। उसके बाद में हमारे लिए बस का अरेंजमेंट किया, यहाँ से हमको बिल्कुल बाहर से बस में बिठाया, फिर यहाँ से हम चंडीगढ़ चले गए थे। तो आज इतने साल के बाद भी मैं यहाँ पर आया हूँ, कारण यही है कि जो मोहब्बत जो उस टाइम पर इन्होंने किया है, मेरी ज़िंदगी भर मेरे दिल में वो बात रहेगी। और आप जब भी आए यहाँ पर, तो मनाली से ये 18 किलोमीटर पहले ये 15 माइल्स बोल के गांव है, उसी वहाँ मतलब मनाली के लिए देखिए वहाँ से एक रोड जाता है, डायरेक्ट मनाली निकल जाएगा। आपके इस कॉर्नर पे उतर जाना है और ये पहला दूसरा होटल छोड़ के तीसरा इनका ही है, रिवर टच नाम है इनका होटल का। तो बस इतना ही था गाइस, फिर मिलेंगे, यहाँ पर मैं फिर आऊँगा, मैं आपको नज़ारे दिखा देता हूँ। विशाल गिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी जेरेमीवेड फिशिंग। तो आज मेरे साथ में सुशील जी के साथ में मैं फ़िशिंग करने आया। सुशील जी हिमाचल से हैं और ख़ास करके मुझे यहाँ इस जगह पे लाए हैं फ़िशिंग करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, अपना बहुत कीमती समय निकाल के ये मेरे साथ में आए गाइज़। तो देखते हैं आज क्या लगता है हम लोग यहाँ, ये क्या नाम है ब्रिज का, बसोली बीच का है, बसोली बीच का हम फिशिंग करेंगे, देखते हैं क्या लगता है। और हमारे साथ में एक बंदे और, इनका नाम क्या है, धूनी चंद, हाँ धूनी चंद जी भी आए हैं, ये भी अच्छे इंसान हैं। हम लोग देखते हैं आज क्या लगने वाला है, बहुत मज़ा आएगा गाइज़। वहाँ से ट्रॉलिंग करेंगे हम लोग, और लुकियाना सॉल्ट आर्मर रॉड है और लुकियाना स्टोन आइलैंड 6000 सीरीज़ और लुकियाना कोमोडोर लूर, ये ट्रॉलिंग पे यूज़ करने वाला हूँ मैं। शुरुआत करते हैं मदन भाई के साथ में, मदन भाई बोट शुरू कर रहे हैं अभी। स्पिनर पे लगाएगा इस अभी, ये वेरी गुड। तो आज आप विनर है, कई दिनों बाद एक विनर मिला मुझे, लुकियाना स्पिनर के ऊपर बाशिर पकड़ा इन्होंने, वेरी गुड। ले आओ दिखाओ, एक मिनट रुको, हाँ वेरी गुड, ले आओ टाइम हो चुका है अभी मारने का। ले लूँ ऊपर इसको, हाँ मैं ही उठा देता हूँ, हाँ हाँ आने दो, आने थोड़ा इधर आने, थोड़ा आने, रुको रुको रुको, घाई मत करो, आने दो, मच्छी आने दो, एक ही कांटे पे रुका हुआ है वो। हाँ निकल ना जाए, अंगड़ी चक रही है। इधर ये मेरी तरफ लाओ ना, मैं उठा लूँगा उसको। आप थोड़ा लाइन मेरी तरफ कर दो। हाँ और लो, और लो, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, और ब्रेक कर दूं टाइट। यस जी का होगा, हाथ नीचे रख दो, नहीं ग्रिपर दे दो, ग्रिपर ग्रिपर ग्रिपर। ओह देखो निकल भी गया ना, मैं पहले बोला था ना, एक ही हुक लगा था। एक मिनट दिखाओ जरा। हाँ इसको वेरी गुड शूट कर लो। तो लुकियाना कमांडो रॉड, कमांडो नहीं सॉल्ट आर्मर रॉड के विजेता मिल गए मुझे। स्पिनर पे जो भी फिश पकड़ने वाला था, खास करके माशिर, और वो आप निकले इतने दिनों बाद जिसने पकड़ा, और माशिर ही पकड़ा भाई। मेरे सामने लाइव वीडियो है गाइस ये। वाह वेरी गुड, क्या साइज है, व्हाट अ लवली क्रीचर, बहुत खूबसूरत है ये। वेल डन सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। हाँ कचरा नहीं हो सकता अभी, और इतनी देर थोड़ी रुकना था इसमें, क्या है होगी, बिल्कुल जड़ के तो मार नहीं रही। देखो खींचो 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 लाइट करके खींचो। देखो सर ये ट्रॉलिंग में ऐसे ही लगता है वो, लेकिन बाद में देता है झटका, ऐसा नहीं कि नहीं। तो फिर फिश होगा कुछ कचरा भी हो सकता है, लेकिन मच्छी रहेगा तो कंफर्म थोड़ा बहुत टिचकी झटका देगा आपको। झटका कुछ नहीं, लाइन तो कुछ किस चीज से अड़ती ना, नहीं कुछ हाथ हो रहा है पर कुछ फिश नहीं लग रही है, कचरा कुछ। एक मिनट जरा लाइन दिखाओ ना, वो वाला लाइन, मूवमेंट नहीं है, आगे वाला, आगे वाला झटका नहीं है, कुछ मटेरियल है, नहीं कचरा है वही ना, उधर से उधर से। चलो निकालो निकालो, पीछे जाओ। हाँ लगा बड़ा जोर से, ऐसे लगा मतलब, ओ वैसी ड्रैग इसलिए ज़्यादा लूज रखे कि आपने, साला मच्छी हो तो मज़ा आ जाए। हाँ कुछ है। ये तो मच्छी है तो भाई साहब, बड़ा फिश है ना, अगर फिश हो तो बड़ा है, अदरवाइज कचरा है। नहीं फिश है, मूवमेंट भी हो रही है डायरेक्शन, कोई बात नहीं फिश है, देख रहे हैं बड़ा है फिर तो ये। तो बड़ा होगा, अगर फिश है तो 5 किलो से ऊपर है जी। वेरी गुड, वो भी लुकियाना के कमांडो लूअर पे लगा है, मच्छी होए बस, जैसा आप बता रहे हो जो हिसाब से मच्छी होनी चाहिए लुकियाना के ही। दर्शन सर मूव दिखाओ पहले, है तो मूवमेंट भी है। हाँ फिश है जी, हाँ हाँ मूविंग, हाँ फिश है, फिश है, फिश है, फिश ऑन। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं ठीक है यार, लग गया अभी। कमांडो कमांडो कमांडो, यस कमांडो लूअर पे लगाएगा इसे, कमांडो लूअर पे, लुकियाना कमांडो लूअर है ये। माशिर दूसरा सेकंड पीस, प्रॉपर हुक हुआ नहीं, प्रॉपर है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, वो प्रॉपर है ऐसे लगे, वो ट्रॉलिंग में ऐसा देखो। यस वीडियो मिल जाएगा ना मेरे को, ये स्लॉट मिल जाएगा। आपके पास लैपटॉप है? ले आओ इधर, ले आओ ले आओ, बस थक गया वो, नहीं थका है, थका नहीं है अभी। अच्छा ले लूँ ऊपर, एक मिनट अच्छा अच्छा, बहुत जोर है। ओ लाइफ में पहली बार ना ट्रॉलिंग पे फिश। वेरी गुड, अरे आप आपको तो बहुत लकी आदमी हो यार। हाँ और दोनों फिश आपको लगी, वो भी लुकियाना के, एक तो लुकियाना के स्पिनर पे निकाला आपने, और दूसरा कमांडो लूअर पे लुकियाना के माशिर लगाए। गाइस ये मज़ा आ रहा है। ओह ऐसे निकालने के लिए, ये भी गोल्डन माशिर है। वाह प्योरली गोल्डन माशिर लगा है सर, ले लो ना ऊपर अभी, हाथ से पकड़ो आराम से आराम से, हाँ आराम से आराम से आराम से आराम से। देखो आपको लगता था बहुत, ये तो आप लगा देते आप। हाँ नहीं मैं ले रहा, अच्छा ठीक है आप उसको ऊपर ले लो, कोशिश करो ऊपर लेने की, अभी तो फिर ना दो, उल्टा हो गया ठीक है, आ जाएगा आ जाएगा, ले लो आप उसको ऊपर सर, ऐसे ही ले लो ऊपर, ऐसे ही ले लो, टूटेगा नहीं, टूट जाएगा लाइन, टूट जाएगा। अच्छा ठीक है फिर लो उसको, वो किधर रखा अपना, इससे फड़ो सर 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 ये लो 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 लिप ग्रिपर हाँ बस छोड़ दो आगे 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 वेरी गुड। लूर दिखाओ पहले मेरे को, नीचे नीचे लिप ग्रिपर दो ना उनके हाथ में। अच्छा एक मिनट, इनको पहले ये दे दो सर। नहीं लूर तो मैं ऐसे दिखा दूंगा। नहीं नहीं लूर दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले लिप ग्रिपर। मुंह पे झटका मारेगा तो आपके हाथ में घुस जाएगा सीधा। वो छोड़ दो आप इसको, मछली को छोड़ दो आप। हेलो पकड़ो आप, हाँ ऊपर से पकड़ो, हाँ ये पकड़ो आप, फ्लायर दो। कोई घाई नहीं करना है अपने को, आराम से निकालना है, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से निकाल लिए, दो हुक हुआ था इसको, बहुत अच्छा तगड़ा हुकअप हुआ है। बहुत बढ़िया है कमाडो का, वेरी गुड। चलो यस, ये कमाडो लूर है, लुकाना 125 कमाडो लुकाना है। यहाँ से दिखा दूँ, यहाँ से लुकाना है तो क्या गम है। और भाई साहब तुम तो हैट्रिक मारोगे लगता है अभी थोड़ी देर में। दिखाओ ज़रा फिश दिखाओ ना। हाँ वो गिरेगा नहीं, आप ऐसा आराम से ले लो उसको हाथ में। वेरी गुड, ये भी गोल्डन है। यस यस यस, बहुत जान है इन हाथों में। क्या साइज़ है बॉस, बहुत अ ब्यूटीफुल क्रीचर, लवली सुपर कलर। क्या शानदार मच्छी है ये भाई, पर अभी तक मुझे नहीं लगा है गाइस, ये मुझे लगेगा तो डबल मज़ा आएगा। भाई शाबाश, आखिरकार हाँ मज़ा, आखिरकार मच्छी लग गई। तगड़ी हो, तगड़ी होनी चाहिए बस। मैं इसको अंदर करता हूँ। ओके लग गए। चिल्लाओ मत, कुछ नहीं होगा। नहीं वीडियो चालू है ना। हाँ गाइस, बहुत दिनों बाद, बहुत मुश्किल के बाद आप जाके एक फ़िश लगा है। और लुकाना कमोडो रॉड है, ट्रॉलिंग पे यूज़ कर रहा था मैं, साथ ही साथ लुकाना सॉल्ट आर्मर रील और लुकाना कमोडो लूर है जिस पे लगा है ये। लवली, बहुत मेहनत के बाद लगा, बहुत मेहनत किया है इसके पीछे। मैंने बोला है भाई, इधर मेरे को भी लगी थी एक बार। हमारा काम है मछली पकड़ना। आपको परफेक्ट आइडिया है इसका, और काफ़ी दूर है अभी भी। लैंडिंग नेट नहीं रखते हो ना आप? ये लो, हाँ। ओके ठीक है, ड्रैग भी ठीक है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पावर लगा रहा है। वो देखो ऊपर दिख रही है, गोल्डन माशेर है शायद। यहाँ दिखाओ मेरी तरफ। तो बहुत मुश्किल के बाद लगा है गाइस ये। मैं पूरा हिमाचल घूम लिया इसके लिए, हिमाचल और मंडी मैंने दिन रात एक किया इसके पीछे, और अब जाके ये लगा है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रीचर, गोल्डन माशेर। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, वाव। इट्स अ गोल्डन माशेर। इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है? ले लूँ कि और थकाऊँ थोड़ा? थक, अरे बाप रे, थका लो। नहीं अब हो गया। ओह व्हाट अ लवली क्रीचर। बैलाम खोल दो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जिस लूर पे लगा है, ये लूर का नाम है लुकाना मिनट हाथ में लगाना था, मैं संभाल लूँगा। हाँ हाँ, और इसमें मेरा लिप ग्रिपर दे दो। ओके, इसको बंद कर दो। नहीं, चालू रहने दो उसको। ओके, चालू रहने दो ना आप उसको, चालू रहने दो। एक मिनट में आओ दूँगा ना आपको निकालने वास्ते। ये है मेरे पास, निकल जाएगा ना? हाँ हाँ, बहुत। यस, शाबाश। हुकअप बहुत अच्छा हुआ है गाइस, हुकअप बहुत शानदार हुआ है। छूट गया, नहीं छूटा, छोड़ दो। देखो वजन लाइन भी निकल गया। व्हाट अ लवली क्रीचर, व्हाट अ लवली क्रीचर। सुपर, ये पहला माशेर है, गोल्डन माशेर है मेरा गाइस। और एक मिनट दिखा दो जरा इनको, ये वीडियो में दिखा देता हूँ मैं। सुपर ब्यूटीफुल फिश। और चल, वाह वाह, बेहद ही खूबसूरत लम्हा था ये मेरे लिए। अच्छे अच्छे लोग मिले, मैं फिर आऊँगा।